हेलो हाय ओ मैं भूल गई हाय वी आर रेडी मेरा आंखें क्यों दिख रहा है ड्रेस अप तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं बीच पे जाने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना दी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बीच में ना रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगा होता तो उससे थोड़ा हम लेट हो चुके हैं बट स्टिल हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हम लोग बस निकल चुके हैं ऑलरेडी और अब हम जा रहे हैं किहिम के और हम कौन से बीच पे जा रहे हैं किहिम बीच पर जा रहे हैं तो वहाँ का नजारा वहाँ पहुँच के दिखाते हैं बाय बाय सी यू पहुंच चुके हैं किहिम बीच पर और यहाँ पे मेरे जैसे बाल उड़ रहे हैं ना उसी से पता लग रहा है कि यहाँ पे पानी की जो धारा है वो कितनी तेज है और हवा कितनी तेज चल रही है तो आइए चलिए चलते हैं सागर देख के तो यही गाना याद है। गाइस, कैसा लग रहा है? ठंडी हवा है। मजा आ गया। ये हवा जुल्फों में हमारी हो जाए और उलझ जाए। बस यहाँ पे तो गाने ही याद आ रहे हैं क्यों? आवाज नहीं जाती जाले थोड़ा सा थोड़ा हाथ पकड़ के रखो ये गाइस तो हम आ चुके हैं किहिम बीच पे मेरे साथ है किमाया से हाय कैसा लग रहा है अच्छा ओके किमाया को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और ना यहाँ पर ना मतलब ये जो बीच है ये थोड़ा सा पीसफुल बीच है और थोड़ा सा हाँ भी हाई टाइड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे है वो थोड़ा सा गंदा हुआ है लेकिन ये थोड़ा पीसफुल है और बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे मतलब इतना भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे जैसे कैलोकट बीच और बागा बीच ये सब बहुत ही ज़्यादा रश एरिया है बट यहाँ पे थोड़ा सा खाली है और जिसको भी पीसफुल जगह पसंद है वो ऐसी जगह पर आ सकता है Thank you.
गाइस मैं थोड़ी सी सैड हूँ, मतलब वैसे ठीक है ओवरऑल, मतलब अगर आप उस तरफ अगर बीच देखोगे तो सुंदर है, बट इस तरफ तो आई एम रियली अपसेट। मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है, प्लीज़ गाइस आप नेचर को समझो, ये जो नेचर है वो बहुत खूबसूरत है, अगर हम इसको खूबसूरत बना के रखेंगे तो ये भी हमें खूबसूरत बना के रखेंगे, तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से हम गंदगी ना फैलाएं और सब जगह साफ़ सुथरा रखें। देखिए आप देखिए यहाँ पे बीच का नज़ारा देखो, मतलब इतना कूड़ा, मैंने इतना कूड़ा तो शायद से कैलिंगकोट और बागा बीच पे भी नहीं देखा, इतना कूड़ा। जीजू बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा है गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये देखो देखो आप, पॉलीथीन ग्लास पेपर, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चप्पल रिमोट पता नहीं क्या क्या है, मतलब दुनिया भर का कूड़ा यहाँ फैला हुआ है। तो गाइस अभी हम लोगों ने बीच पर काफ़ी इंजॉय किया और अभी हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, हमने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग यहीं पे बीच पर, एक रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत सा, वहाँ जाकर हम लोग थोड़ा लंच करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज करके, हैंड ड्रेस करके फिर मे बी हम नेक्स्ट किसी बीच पर जाए, या फिर हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे मार्केट एरिया है तो वहाँ पे भी हम लोग शॉपिंग वगैरह करें। वैसे अच्छा लगा नेचर के साथ जुड़ के, बहुत मज़ा आया और मुझे पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी मुझे पसंद है, मुझे हिल एरिया भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट पानी भी मुझे बहुत पसंद है। और दीदी कैसा लगा? बहुत मज़ा किया, मज़ा किया, लेकिन बीच की हालत कैसी थी? बीच की हालत थोड़ी ख़राब थी, हाँ तो साफ रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे सब बीचेस जो ये हमारी जनरेशन आने वाले टाइम की कुछ नहीं देख पाएगी, वो कुछ देख ही नहीं पाएगी, सिर्फ गंदगी देखेगी, सिर्फ गंदगी है। मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक थे, बट मतलब हम कैसे थे हमें ही पता है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी है, मैं जैसे कि मैंने क्लिप में आपको दिखाया भी है, जो खाते हैं वही फेंकते हैं, कांच की बॉटल कितना रिस्की है बच्चों के लिए बहुत, तो मतलब हम लोगों ने बच्चों को नीचे ज़्यादा उतारा भी नहीं क्योंकि डर लग रहा था, यहाँ पे बहुत कांच की बॉटल भी है तो पैरों में ना लग जाए, बाकी पब्लिक समझदार है, मुझे लगता है कि आगे से वो ऐसा ना करें, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट को सिर्फ बीच ही नहीं हर जगह क्लीन रखें, कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश से ही बड़ी कोशिश होगी, तो कोशिश कीजिए कि साफ रखें, बाकी ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, अगर साफ रखेंगे तो और खूबसूरत लगती, बाकी हम लोग टायर्ड हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने होटल, थोड़ा रेस्ट कर लें, ओके बाय बाय।